काकू कितने गया एक रेट कराई से तेरा एक काकू। नमस्कार, लाइव टाइम सीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य, मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सोजी। तो ऊना जिला में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इस सब्जी मंडी में, फिलहाल फल मंडी की अपडेट आपके साथ यहाँ पर साझा करेंगे। इस वक्त अगर बात करें तो पियर और सेब का सीजन यहाँ पर शुरू हो चुका है, किस तरह से इन फलों के हालात हैं तमाम चीजें साझा करेंगे। हमारे साथ अनुज और जी यहाँ पर लाइव जुड़े। अनुज जी स्वागत आपका। गुड मॉर्निंग विशाल जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बस बढ़िया जी। किस तरह से चल रहे हैं हालात? हालात माल ज्यादा आ रहे हैं, बरसात का थोड़ा फर्क तो पड़ रहा है, बिक भी रहे हैं। अभी पियर और सेब का सीजन शुरू हो चुका है। हाँ जी, हाँ जी, पियर सेब आ रहा है जी। तो किस तरह से क्या दाम चल रहा है जी? पियर के क्या हालात है जी? पियर ये शिमला वाली पियर है जी। जी हाँ जी। क्या रेट चल रहा है इसका? ये बिकी है जी 40 से 50 रुपए। 40 से 50? हाँ जी। इसके अलावा और कौन सी पियर आ रही है? और कुल्लू की भी आ रही है। ओके। और ये सेब जी? ये गोल्डन बिका है जी 50-55। 50 से 55। ये शिमला का माल है जी? हाँ जी, ये शिमला का है। ये देख सकते हैं आप इस वक्त। और ये डिलीशियस? नहीं नहीं, ये रिका रेड रेड गोल्डन। ओके। क्या रेट चल रहा है? ये भी 50-60 रुपए बी ग्रेड है ये। ओके। और ये साथ में ये 70 रुपए बिका है बी ग्रेड, ये डिलीशियस का। ओके। और ये पियर कुल्लू की है जी। ये है जी कुल्लू का माल। हाँ जी। इसका क्या रेट चल रहा है? ये बिकी है जी 50 रुपए। ये भी 50 के जी। हाँ जी। कुल्लू और शिमला के माल में कोई फर्क है अनुज? हाँ जी, हाँ जी, फर्क होता है थोड़ा टाइटनेस में। एक वो जो इनका ए ग्रेड माल था वो बिका है 80 रुपए किलो। ओके। हाँ जी। और ये सेब कौन सा जी? ये कुल्लू का है जी। ये कुल्लू का जी क्या रेट चल रहा है? ये बिका है 140-145, वो बिका है 100, वो 125-130। ये अभी नई फसल का माल है? हाँ जी, नई फसल का। गाला आया हुआ था, गाला बिका है जी 120 से लेके 170 रुपए किलो तक। ओके। ये भी सेम है? हाँ जी, ये डिलीशन, ये 100 रुपए किलो बिका है जी। ओके। और ये गोल्डन कुल्लू से जी? हाँ जी। इसका क्या रेट चल रहा? ये 30-35 रुपए बिका जी। और ये बाहर वाले का क्या? ये इम्पोर्टेंट है जी, ये बिका है 3600 रुपए का 20 किलो। किस कंट्री से आ रहा जी? ये न्यूजीलैंड का है जी। और ये कश्मीरी माल है? नहीं नहीं, ये सारा शिमला है जी। शिमला का जी। हाँ जी, ये बिका है 120 रुपए से लेके 170 रुपए तक जी। यानी कि ये नई फसल का माल? हाँ जी, ये सारा नई फसल का है जी। यानी कि अभी स्टोर वाले की कोई वो नहीं है? उन्हें स्टोर खत्म हो गया जी, अब तो नया ही है सारा। एवेलिना बिका जी आज 2100 रुपए का। क्या क्वांटिटी है जी इसकी? इसकी 10 किलो माल माल है जी इसमें। ये भी बाहर का जी? हाँ जी, बाहर का है। ओके। और तरबूज के क्या है? तरबूज बिका है 30 रुपए जी। 30 रुपए के आसपास है। हाँ जी। और मौसमी के क्या है? मौसमी बिकी है 450 से 500 जी 10 किलो, और बड़ी बिकी है 750-800। ओके। यानी कि 10 किलो और 20 किलो की पैकिंग। हाँ जी। और डाब के क्या है? डाब बिकी है 550 जी। ये 10 पीस है जी? हाँ जी 10। और पाइन एप्पल बिका है, राजा थोड़ा महंगा हो गया जी 45 रुपए, और रानी बिकी है 70 रुपए जी। पहली बार राजा के दाम जो है वो ऊपर आए हैं जी। अनार के क्या लें जी? अनार ये 2000 का है विशाल जी। ये क्या क्वांटिटी जी इसकी? 10 किलो जी। ये कहाँ का माल होगा सर? ये नासिक। नासिक का जी। और ये वाला जी? ये 1500 का है जी। वो आगे 1700, वो भी 2000। अनार बहुत तेज है एकदम से। यानी कि आप देख सकते हैं अनार भी जो है वो शानदार अनार। यहाँ गंदारी जिसको आप बोल सकते हैं वो है ये, बिल्कुल साफ ये यहाँ पर फसल। अमरूद के क्या जी? अमरूद आज बिका जी 900 रुपए का। ये कौन से वाला जी? ये नासिक से आता है ये भी। नासिक से आ रहा जी। हाँ जी। और कोलकाता वाला आ रहा जी? कलकत्ता वाला भी आ रहा है, वो बिका है 750-800। ओके। और ये पपीते के क्या? पपीता 500 रुपए का 10 किलो जी। और माल्टे का क्या? माल्टा 1500 से 1600। आम की फसल के क्या? हाँ जी, आम बस अब लास्ट एंड है, आज बिका है आम जो बढ़िया आम है 80-85 रुपए चौसा। शारदा के क्या है जी? शारदा 350 जी। 350। ये खुमानी है इम्पोर्टेंट, ये बिकी है 500-550 जी बाहर चार। हाँ जी। ओके। और पलम के क्या है जी? पलम बिका है ये कश्मीर का पलम है जी 500 रुपए का। पलम की फसल इस वक्त काफी लंबी चली है जी। हाँ जी, हाँ जी, ये अब कश्मीर का है ना, कुल्लू वाला तो लगभग खत्म ही है, खत्म हो चुका है। हाँ जी। और ये पियर जी? ये शिमला की पियर है जी, ग्रेड 1 है जी ये। हाँ जी। ओके। और इसके अलावा ये कश्मीर की है जी पियर। हाँ जी। इसका क्या रेट चल रहा है? ये बिकी है 900 रुपए की 15 किलो जी। आम के क्या हाल है जी आज? आम बिका 80-85 रुपए जी, यानी कि जो बढ़िया सीजन का है जी। हाँ जी, बस वैसे आज का जो बाजार है अगला 100 रुपए किलो मानिए आप, जो चौसा है बढ़िया दिन में जो आने वाला। हाँ जी, हाँ जी, मतलब आप कल समझ लीजिए कल जी। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर ड्रैगन के क्या हाल है? ड्रैगन बिका है जी 60-65 रुपए। केले के क्या रेट चल रहा है जी आज? केला महंगा हो गया जी, केला 450 के आसपास चल रहा है। हाँ जी।
इसके अलावा और क्या, कौन सा फल यहाँ पर चल रहा जी? बस कीवी आ रही है। हाँ जी, कीवी बहुत महंगे, 2100 रुपए की ट्रे बिकी है जी। 2100 रुपए की ट्रे, हाँ, वो चार डिब्बी वाली 15 पीस 2100 के। और खजूर के क्या हाल है जी आज? खजूर अब कीमिया गोल्ड आई हुई थी जी, वो बिका है 2700 रुपए का बॉक्स, 12 पीस 2700 रुपए में। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्लैकबेरी आ रही है? नहीं, ब्लैकबेरी नहीं आ रही थी। चेरी आ रही है, चेरी महंगी है, 1250-1300 की इम्पोर्टेंट आती है, 4 पीस जी। ओके, कुल मिलाकर जो मार्केट है वो काफी तेजी भरी अभी चल रही है जी। हाँ जी, तो रेट इसमें क्या उम्मीद है जी की, जैसे बरसात का इस पर क्या असर है फलों के मार्केट की? अगर फलों का, सेब की फसल थोड़ी कम है, सेब तेज ही रहेगा जी। सेब तेज ही रहेगा। हाँ जी, पियर अब लास्ट टाइम चल रहा है, बस थोड़े दिन में पियर खत्म होने वाली है। ये है जी यहाँ पर फल मंडी ऊना की, आपके साथ तमाम चीजें साझा की है। स्ट्रीम को सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अनुज जी। धन्यवाद विशाल जी। तो इस वक्त कुल्लू और शिमला का माल, सेब और पियर, इसकी धाक ऊना की मंडी में इस वक्त पूरी देखी जा सकती है। और नई फसल है तो निश्चित रूप से कारोबारियों को भी उम्मीदें होंगी, और सबसे बड़ी उम्मीद उन बागवानों को जिन्होंने कड़ी मेहनत करते हुए इस फसल की पैदावार की है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा, असिस्टेंट लाइव प्रोड्यूसर विशाल सूज जी के साथ विशाल शांडिल्य।